चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एलिगेशन के बारे में। मिक्सचर के हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, अब बारी आती है एलिगेशन की। एलिगेशन होता क्या है? एलिगेशन एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ एक अलग तरीका है एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द अदर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज। दोनों सिमिलर चीजें हैं, एलिगेशन और एवरेज, कोई भी अंतर नहीं है, बस नाम बदल दिया गया है, ठीक है। जैसे हमने एवरेज में क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही हम लोग एलिगेशन से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन एलिगेशन से हम लोग नहीं कर पाते हैं तो हम लोग एवरेज से भी कर सकते हैं। मतलब जितने क्वेश्चन एलिगेशन वाले हैं वो हम एवरेज का यूज करके कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि एलिगेशन और एवरेज लगभग सिमिलर है? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो बिल्कुल जो फाइनल आंसर देगी वो एक्यूरेट देगी, किससे? जैसा हम एवरेज से निकालते थे। और यहाँ पे हम किस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, जहां पे हमारे पास मान लो राइस की बात करें, वीट की बात करें, ठीक है, पल्सेस की बात करें, जहां पे हम हर एक केजी की रुपीस बताएंगे कि रुपीस पर केजी। हम लोग क्या करने वाले हैं, एलिगेशन जब पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चंस लगाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे कि मान लो हमारे पास राइस है किसी एक क्वालिटी का, क्वांटिटी की बात नहीं करें, पहले क्वालिटी समझते हैं हम लोग, किसकी बात करें, क्वालिटी की। मान लो राइस है हमारे पास, मान लो 30 रुपीज पर केजी वाला एक राइस है जो सस्ता है, ठीक है, और एक महंगा वाला राइस है जिसकी क्वांटिटी कितनी है, 40 रुपीज पर केजी। अगर हम एक काम करें कि दोनों को हम मिला दें एक दूसरे में और फिर अगर हम उसे बेचना चाहे या उसकी प्राइस बताना चाहे तो वो नहीं तो 30 होगी और ना ही क्या होगी, 40 रुपीज पर केजी होगी, उसकी कुछ अलग प्राइस रहेगी। और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमने कितनी क्वांटिटी दोनों की ली है। अगर सेम क्वांटिटी ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग क्वांटिटी ली है तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब करते कैसे हैं? देखो, रुपीस पर केजी हो गया या फिर लीटर्स पर केजी हो गया, मतलब यहां पे पर आ रहा है। जब हमने मिक्सचर की बात की थी सब हमने किसकी बात की थी, लीटर्स की बात की थी, है ना, केजी की बात की थी, लेकिन यहां पे पर यूनिट में कोई क्या जा रही है, हमारी यूनिट जा रही है, पर यूनिट, है ना, रुपीस पर केजी। तो यहां पे टोटल कुल मिला के 5 चीजें होती है एलिगेशन की बात करें, ठीक है। यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहां लिख देंगे हम लोग, मान लो राइस की बात करें तो रुपीस पर केजी और यहां रुपीस पर केजी, ठीक है। ये है क्वांटिटी वन, अभी हम समझेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहां पे ये क्वांटिटी, ये रुपीस पर केजी ऑफ वन, ये रुपीस पर केजी ऑफ टू, ये रुपीस पर केजी, इसे हम क्या बोल देते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, है ना, या मिक्सचर बोल सकते हैं, हम लोग मिक्सचर बोल देंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो। और यहां क्वांटिटी वन आ जाएगी और यहां आएगी क्वांटिटी। ये लिखने का तरीका है, क्या है, ये लिखने का तरीका है। बात समझ में आ गई? अब यहां पे रुपीस पर केजी वन, रुपीस पर केजी टू और रुपीस पर केजी ऑफ मिक्सचर, ये क्या चीजें हैं? देखो, यहां पे जितने भी तीनों चीजें लिखेंगे हम लोग, वहां पे क्या लगाएंगे, रुपीस पर केजी, रुपीस पर लीटर, ठीक है। जब टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी यहां से कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, वहां भी तो हमारे पास क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां भी तो हम लोग कहां में जा रहे हैं, यूनिट में जा रहे हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। जब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब हम लोग जो एवरेज लगाते हैं वो यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी करेंगे, समझेंगे बाद में। मान लो यहां पे क्या है, ये किसकी क्वांटिटी दी गई है, अगर ऐसा बोला जाए तो यहां पे और क्या लिख सकते हैं, चीपर, बुक्स में ऐसे ही मिलता है, चीपर आइटम और एक डियरर आइटम, एक सस्ता और एक महंगा। और यहां क्या बोल दें, मिक्सचर, और यहां क्वांटिटी ऑफ चीपर, जो सस्ता है, ठीक है, चीपर से मतलब जो सस्ता है। और यहां लिखेंगे हम लोग क्वांटिटी ऑफ डियरर आइटम, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये चीजें क्या हैं? देखो, चीजें, चीपर आइटम मतलब जिसकी कॉस्ट कम है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है यहां पे कि इस साइड हमें लिखना है चीपर और उस साइड डियरर लिखना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन इतनी बात याद रखना है कि अगर हमने चीपर आइटम यहां लिखा है तो यहां क्वांटिटी ऑफ चीपर आइटम लिखेंगे, डियरर आइटम यहां लिखा है तो यहां क्वांटिटी ऑफ डियरर आइटम लिखेंगे। इंटरचेंज करना चाहे कर सकते हैं, मिक्सचर इंटरचेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स है अपनी बात पे, ठीक है। डियरर आइटम अगर यहां लिख देंगे तो यहां आएगा क्वांटिटी ऑफ डियरर आइटम,
अगर यहाँ चीपर आइटम लिख देंगे तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ चीपर आइटम, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हम लोगों को यही फॉलो करना है, ठीक है। अब यहां पे ये चीज क्या है, देखो एक चीज और कि हमने जब एवरेज पढ़ा था तब हमने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एक हमने डेविएशन वाली मेथड का यूज किया था, एक जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है उसका यूज किया था, एवरेज इक्वल टू A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 अप टू सो ऑन, है ना। अब यहां पे अगर हमें चीजें कैंसल आउट करनी है, सबसे पहली बात तो ये, अगर हमारे पास मान लो यहां पे कितना आ गया, 36 आ गया या 46 आ गया, ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहां पे इन दोनों को कैंसल आउट कर दें। कैंसल आउट कब हो पाएगा, जब यहां भी जो मिक्सचर में रुपीस पर केजी है उसका अमाउंट भी ऐसा है रुपीस पर केजी में जो कि क्या हो सकता है, कॉमन निकल के कैंसल आउट हो सकता है। इन दोनों से कॉमन निकाल के कैंसल आउट नहीं करना, रेशियो में इसका भी यूज होगा, बात समझ में आ गई, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू होता है ना, तो एवरेज कॉमन निकलेगा, एवरेज एक साइड है और दूसरी साइड जो चीजें कॉमन रहेगी वो बाहर निकल के एवरेज से कैंसल हो जाएगी। तो ये चीजें जो RHS में है वो इनमें से कुछ कॉमन निकलेगा और यह है एवरेज LHS में कैंसल आउट हो जाएंगी, तब जाके हम बोल सकते हैं कि इनका जो कॉमन पार्ट था जो HCF था वो हमने कैंसल कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर इतनी बात। अब करना क्या है, मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लो यहां पे हमारे पास है कोई राइस है, चावल है हमारे पास, जिसकी कीमत कितनी है, जिसकी कीमत है 30 रुपीज पर केजी, इसकी प्राइस कितनी है पर केजी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, और यहां पे 40 रुपीज पर केजी, ये महंगा वाला चावल है, ये कंट्रोल वाला है, ठीक है। अब यहां पे मान लो इनका एवरेज कितना दिया गया है, मान लो 36 रुपीज पर केजी ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें से ये दोनों चीजें तो दी रहती है मैक्सिमम टाइम, चीजें यहां तो रेशियो निकालने के लिए आ गई, या फिर रेशियो अगर दे देंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि यहां पे जो क्वांटिटी है, यहां पे जो क्वांटिटी है मिक्सचर की, अगर दोनों को मिक्स कर देंगे इस रेशियो में तो यहां पे बताइए कि जो निकल के आएगा मिक्सचर उसकी प्राइस क्या रहेगी, ये पूछा जा सकता है। अब इतना क्वेश्चन, ये राइस वन है, ये राइस टू है, ठीक है, और ये मिक्सचर है, ये इन दोनों का क्या है, मिक्सचर। अब तरीका क्या रहता है, तरीका बिल्कुल बेसिक है, क्या तरीका है, ऐसे कर देना है, ठीक है। अब देखो 40 माइनस 36 कितना होगा, 4, 36 माइनस 30 कितना होगा, 6। अब देखो यहां पे जो सीक्वेंस बनने वाला है वो सीक्वेंस अगर हमने सही रखा है कैसे पता लगाएंगे, देखो 40, 36 और 30 हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी मिक्सचर वाली है ये इससे और चीपर से ज्यादा है और डियरर से कम है। इसका मतलब क्या है, हमने एवरेज में भी पढ़ा था कि जो एवरेज निकल के आता है वो सबसे छोटी क्वांटिटी और सबसे बड़ी क्वांटिटी के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो यहां भी हम बोल पा रहे हैं कि यहां पे जो चीपर क्वांटिटी है सबसे छोटी क्वांटिटी, डियरर क्वांटिटी सबसे बड़ी क्वांटिटी, उन दोनों के बीच में आ रहा है। अगर यहां पे ऐसा आ रहा है तो सही है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है, या फिर हमने गलत तरीके से उसे अप्रोच किया है, क्लियर है बात। अब देखो यहां से रेशियो आ गया 4:6, ये जो आएगा ये क्या रहेगा, रेशियो। ये रेशियो क्या है एक्चुअल में, ये रेशियो हमें ये बता रहा है कि हम जो सस्ता वाला चावल है, जो चीपर राइस है, अगर उसे मिक्स कर देंगे किसमें, डियरर राइस में, किस रेशियो में, 4:6 में, या फिर बोल दें किस रेशियो में, 2:3 में, बात समझ में आ गई। और ये क्वांटिटी कौन सी आएगी पता है, ये आएगी केजी वाली क्वांटिटी, है ना, ये आएगी केजी वाली क्वांटिटी, ठीक है। नीचे वाली जो क्वांटिटी आएगी वो यहां नहीं आ जाएगी, मतलब ये किस में है, केजी में रहेगा, किस चीज में रहेगा, ये केजी में रहने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम ध्यान से समझे तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम पहले वाले चावल दूसरे वाले चावल को कितना किलो मिलाए, कितना किलो मिला है, देखो यहां पे अगर हम सस्ते वाले चावल को ले ले 2 किलो रख ले और जो महंगे वाले चावल है उसको 3 किलो रख ले, है ना, जो सस्ते वाले चावल है उसको 2 किलो रख ले, महंगे वाले चावल को 3 किलो कर दें, तब जाके इनका जो एवरेज प्राइस या फिर जो मिक्सचर का प्राइस आएगा वो 36 रुपए पर केजी आएगा, 36 रुपीज पर केजी, क्लियर है बात, बात समझ में आ गई। यही तो हम कर क्या रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, यही क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज तो निकाल रहे हैं यहां से, बात समझ में आ गई। अब ऐसा नहीं है कि यहां 2 किलो मिलाना पड़ेगा या 3 किलो, आप 4 किलो भी मिला के देखिए, 6 किलो भी मिला के देखिए, तो आंसर क्या आएगा, 36 रुपए पर केजी ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने
चार किलो भी ले लिया ना राइस वन और छह किलो ले लिया राइस टू, तो ऐसा नहीं होगा आंसर बदलेगा, आंसर सेम रहेगा। जो आंसर दो किलो मिलाने पे आया था राइस वन और तीन किलो मिलाने पे आया था राइस टू को, वही आंसर हमारा किससे आएगा, इन दोनों से आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमने रेशियो ले लिया मिनिमम अमाउंट, मिनिमम नंबर ऑफ केजीज। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे 8 और 12 लिख दो, उससे भी आंसर सेम आएगा। अब यहां पे ये चीज कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब हमने देखा था यहां से हमने कोई भी चीज कैंसिल आउट नहीं करी है। अगर हम कैंसिल आउट कर देते तो एक चीज देखो, यहां पे 15 आ जाता और यहां 20 आ जाता, 15 आ जाता और 20 आ जाता, कम वाला कितना आ जाता 15। अगर हम कैंसिल आउट कर दें इसे, मान लो ये 30 है, ये 40 है, ये 36 है। ठीक है, मान लो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, कितना आएगा ये 15 आएगा, ये 20 आएगा, इसे कैंसिल नहीं किया है एवरेज को। अब देखो यहां पे जो मिक्सचर बनेगा उसका हमेशा चीपर और डीआरआर से आएगा, ये डीआरआर है इसके रेस्पेक्ट में और ये चीपर है इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन ये जो एवरेज आ रहा है ना ये फिर 36 कैसे आ गया, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां भी इसे कैंसल आउट करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, 2 से कैंसल आउट करेंगे तब जाके यहां पे कितना आ जाएगा, जब कैंसल आउट कर देंगे इसे, अगर किससे कैंसल आउट किया हमने 2 से, और किसी से कर सकते नहीं, 2 से करेंगे अगर, तो ये आएगा 15, ये आएगा 20 और ये आएगा 18। अब देखिए, अब जो एवरेज है वो लाई कर रहा है डीआरआर और चीपर के बीच में। ठीक है, तो बात ये रही कि यहां पे चीपर और डीआरआर को हम एक दूसरे से रेशियो में कैंसिल नहीं कर सकते, हमें अगर कैंसल आउट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें मिक्सचर को भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इन दोनों को काट दो, काटना है तो इसे इसे इसे, ठीक है, इन तीनों को काटना पड़ेगा, मतलब HCF तीनों का निकाल के उससे काट दो। क्लियर है बात, तो यहां पे भी आंसर सेम आएगा, यहां तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो ये कितना है 15, 20 और 18। अब इन दोनों को देखें अगर, तो ये कितना आएगा 2 और ये आएगा 3। अब ऐसा नहीं समझ रहा 15-18 कर दे, 20-18 किया 2, 18-15 किया 3, 2:3, यहां से भी 2:3 आया हमारा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास राइस की क्वांटिटी, सॉरी राइस की रुपीस पर केजी 30 है और 40 है, तब भी हमें किस रेशो में मिलाना पड़ेगा, 2:3 में मिलाना पड़ेगा, और जब हमारे पास राइस है 15 रुपीस पर केजी और 20 रुपीस पर केजी, और अगर हम 2:3 में मिलाएं तो 18 रुपए होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास राइस वन है जिसकी प्राइस कितनी है 15 रुपीस पर केजी, और दूसरा राइस है जिसकी प्राइस है 20 रुपीस पर केजी, और हमारा जो एवरेज आएगा इनको मिक्सचर करने के बाद वो आ रहा है 18 रुपीस पर केजी, तब क्या होगा, तब भी हमें इस रेशो में मिलाना पड़ेगा 2:3 में, मतलब 2 किलो ये वाले चावल और 3 किलो ये वाले चावल, तब जाके हमारे पास जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा 18 रुपए पर केजी वाला चावल, मिक्सचर वाला चावल। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें से इसे माइनस करके यहां लिखना है, इसमें से इसे माइनस करके यहां लिखना है, बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं करना इसमें से इसे माइनस करके यहां लिख दो, इसमें से इसे माइनस करके यहां लिख दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसके नीचे इसका रेशो, इसके नीचे इसका रेशो, लेकिन ये जो मिक्सचर आएगा वो कैसे करना है हमें, इसमें से इसे माइनस करके यहां लिखना है, इसमें से इसे माइनस करके यहां लिखना है, फिर ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग बनेंगे और ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग बनेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहां पे क्या हम ये नहीं देख सकते, यहां पे जो 2 और 3 आया है ये क्या है, हमारे पास क्वांटिटी है, रुपीज पर केजी क्वालिटी है, ये क्वालिटी अलग है, दोनों क्वालिटी चावल की अलग है। ठीक है, लेकिन यहां पे ये चीज क्या है, ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब अगर क्वांटिटी ये है तो यहां पे इसका एवरेज कितना बनता है 30 रुपीस पर केजी, एक किलो की बात कर रहे हैं, मतलब अगर एक की बात करते हैं तो वो एवरेज भी वही होता है और वो नंबर भी वही होता है एवरेज की बात करें तो। ठीक है, बुक्स में ऐसे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सचेंज कर रहे हैं डीआरआर वाले आइटम को तो पूरा का पूरा यहां कर लो और चीपर आइटम वाले को पूरा यहां कर लो, तो यहां भी चीपर आइटम आएगा और क्वांटिटी ऑफ चीपर आइटम यहां आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। देखते हैं एवरेज से कैसे सिमिलर है एलिगेशन। एवरेज होता क्या है एक्चुअल में, एवरेज की बात करें तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने लिखा N1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ आइटम समझ सकते हैं, है ना, यहां पे सम आएगा। अब सम आएगा तो N1 into A1, मतलब
कि A1 किसका एवरेज है, N1 ऑब्जर्वेशंस का या N1 क्वांटिटीज का, N2 किसका ऑब्जर्वेशन है, A2 यहां पे जो एवरेज है उसका, यहां पे N3 क्या है, यहां पे A3 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अप टू सो ऑन। लेकिन एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है सिर्फ दो के लिए, दो आइटम के लिए, और मैक्सिमम कभी हुआ तो 80-90% दो आइटम के लिए पूछा जाता है, लेकिन बाय चांस कभी ऐसा हो गया कि हमसे ज्यादा के लिए पूछ लिया गया। तो यहाँ पे एक तरीका और एक करने का एलिगेशन से, लेकिन तब हम एलिगेशन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए टफ टास्क होगा। ठीक है, कंफ्यूजन होगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करना है हमें, अगर वो यहाँ पे कहीं भी हम लोग लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा किसमें से किसे माइनस करें, किसे किसका HCF लेके हम कैंसल आउट करें। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग दो के लिए एलिगेशन लगाएंगे, अगर दो से ज्यादा के लिए आता है तो हम एवरेज से ही सॉल्व करेंगे, चाहे या तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं या डेविएशन बराबर जीरो वाला फॉर्मूला। क्लियर, तो यहां से एलिगेशन से तो हमने देख लिया 2:3 आएगा। अब ये 2 और 3 क्या है, यहाँ पे केजी है, अमाउंट है ना, केजी है, क्वांटिटी है, 2 केजी ये क्या है, क्वांटिटी है, 3 केजी क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, N1, N2, N3 क्वांटिटी है, आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स मतलब क्या होता है, क्वांटिटी होती है, क्वालिटी चीज अलग होती है, क्वांटिटी अलग होती है, क्वांटिटी मतलब नंबर्स में, और क्वालिटी मतलब समझते हैं हम लोग क्या होती है, ठीक है, गुणवत्ता उसकी। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एवरेज होता क्या है, किन्हीं दो चीजों को अगर हम मिला दें तो वो बन जाएगा मिक्सचर, और एवरेज में क्या हो जाता है, एवरेज में क्या हो जाता है, अगर हम दो चीजें हैं कोई हमारे पास, तो अगर हम उन्हें स्टेप से डिवाइड करके दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाए तो उसे एवरेज कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, एवरेज दिया हुआ है, देखो 36 है ना, 36 दिया हुआ है। अब ये देखो, अगर ऐसा देखें हम लोग तो यहां पे क्या है, 36 रुपीज पर केजी, क्वांटिटी के साथ लिखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। N1 पता है क्या, नहीं पता है, मतलब पहली वाली राइस जो है उसकी क्वांटिटी नहीं पता है, कितना केजी मिक्स करना नहीं पता ना अभी हमें, ये तो निकालना है, तो हम यहां से निकाल के देखेंगे एवरेज कितना है। जब एक की बात करते हैं तो एवरेज भी वही होता है, जब एक की बात करें, क्यों वही होता है, क्योंकि एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे एवरेज वही कैसे होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 हो जाएगी वहां पे, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 हो जाएगी तो वो जो ऑब्जर्वेशन रहेगी वही एवरेज कहलाएगी, अगर एक ऑब्जर्वेशन है तो यहां पे हम इसे एवरेज बोल दे रहे हैं, 30 लिख दिया हमने, ये क्या है, एवरेज। अब यहां पे क्या लिख दिया हमने, ये भी रुपीज पर केजी में लिख दिया। यहां पे किसकी बात करें, N2 की, मतलब जो N2 वाला राइज है इसकी क्वांटिटी कितनी हमें नहीं पता, ये तो हमने निकाला अभी नहीं पता है कुछ भी, और ये है 40 रुपीज पर केजी का चावल। कितना ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 2 ही तो हैं, सॉरी हमें पता नहीं है ऑब्जर्वेशन, हमें नहीं पता है ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज है। अब अगर बात करें हम लोग तो यहां पे देखो क्या चीजें निकल के आएंगी कॉमन। अब एक चीज यहां से समझना, यहां से मैंने लिखा इसे 2:18 रुपीज पर केजी, ध्यान से समझना, रुपीज पर केजी, ये N1 का और N2 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू, यहां और यहां क्या कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया हमने, यहां कितना लिख दिया, 15 टाइम्स ऑफ N1 प्लस 20 टाइम्स ऑफ N2। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम यहां से 2 कैंसिल कर दें, तो क्या हमने यहां पे ये जो 2 कैंसल आउट किया है ये कहां से किया, यही चीज होती है ना, जब यहां कैंसल आउट करना है तो LHS में भी वही चीज होनी चाहिए, LHS में भी दिखी हमें और RHS में भी दिखी, हमने कैंसल आउट कर दिया। अब अगर हम सोचें कि हम इन दोनों को कैंसल आउट कर देते तो यहां क्या आ जाता, 15 और यहां 20 तो ये 2 कहां जाता, 2 किससे कैंसल हो रहा होगा ना, वो किससे कैंसल होता है, 36 वाले जो एवरेज वाला है उसमें जो कॉमन रहेगा उससे कैंसल हुआ, देखो ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से हम और क्या लिख सकते हैं इस चीज को, हम लोग ऐसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 15, 20, 18 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, एक ही बात है यहां से। अब यहां से देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 18N1 प्लस 18N2, ये 15N1 प्लस 20N2,
एन वन को यहां लेके आएंगे तो 3n1, और एन टू को उधर ले जाएंगे तो 2n2, तो n1 upon n2 2/3। क्या यहां से हम लोग नहीं निकाल पाए क्या एवरेज? कि यहां से हम लोग नहीं निकाल पाए क्या रेशियो? नहीं निकाल पाए क्या? बिल्कुल निकाल पाए, 2:3 यहां से भी आया, लेकिन यहां पे क्या लगा? हमने एवरेज लगाया, यहां पे हमने एलिगेशन लगा दिया। क्या बात बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है बात। यहां भी रेशियो आ गया। अगर हमसे रेशियो दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए तब भी हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं, तब लोग हम लोग भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ये तो हमने राइज वाला एग्जाम्पल लिया। ये कौन सा लिया है? राइज वाला एग्जाम्पल लिया है। अब अगर राइज वाला एग्जाम्पल ना लेते हुए हम कोई और एग्जाम्पल लेके देखे तो देख लेते हैं वो भी। दूसरा एग्जाम्पल समझने से पहले हम डेविएशन वाली मेथड का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो एक ही एग्जाम्पल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डेविएशन में हम लोग क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पे डेविएशन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? एक साइड लिखते हैं क्वांटिटी और एक साइड लिखते हैं एवरेज। एवरेज चैप्टर में सब कुछ हमने पढ़ के रखा है, ठीक है? कैसे करना है? क्वांटिटी, क्वांटिटी हमें पता है क्या? टोटल क्वांटिटी हमें नहीं पता है। हम लोग जो एवरेज होता है, एक्चुअल में जो एवरेज होता है उसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सबसे ऊपर। अब ये सबसे ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे देखो इसके लिए हमने मान लिया कि n1 kg मिलाना पड़ेगा। क्वांटिटी हमने लिख ली, n1 kg मिलाना पड़ेगा। किसके लिए? जिसका एवरेज 30 रुपए per kg है। n1 बोल दिया हमने, इसे n2 बोल दिया। अभी अननोन है ना हमारे लिए, n1 n2 निकालना। अभी ये चीज पता है बस हमें, क्वेश्चन में इतना ही दिया गया है। n2 वाले की बात करें तो ये कितना है हमारे पास? 40 रुपीज पर kg। ये क्वांटिटी केजी में है, ठीक है? क्वांटिटी किसकी होगी? 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसी क्वांटिटी होगी ना। अब यहां पे टोटल ये क्या है? दोनों को मिक्स कर दिया। मान लो ये 1 kg था, ये 2 kg था, तो दोनों को मिक्स कर दिया ना हमने। जब 1 kg चावल लेंगे यहां से, 2 kg चावल यहां से लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो कितना हो गया? 3 kg चावल। 1 kg चावल लिया, 2 kg चावल लिया, तीनों दोनों को मिक्स कर दिया तो 3 kg बन गया। 3 kg को हमें कितना बनाना है? 36 रुपए पर kg पे देखना है कि कितना हो जाएगा, ठीक है? अगर इतने रुपए पर केजी पे बेचना है तो हमें कितना मिलाना पड़ेगा कि इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, ठीक है? बेचने ना बेचने से मतलब नहीं, कितनी हो जाए, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक को हम लोग एज्यूम्ड मान लेते हैं, ठीक है? सबसे बड़े वाले को लेना है, ठीक है? सबसे बड़े वाले को, बड़े वाले को इन द सेंस ऐसा नहीं देखना सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो ये हो गया फिर, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज किसमें आ रही है? यहां तो n1 है, यहां n2, यहां इनका समेशन है, तो सबसे ज्यादा वाली क्वांटिटी को सबसे ऊपर लिखना है, हमेशा याद रखना। डेविएशन को जीरो बनाना है। अब डेविएशन को जीरो बनाने वाली प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं यहां पे? यहां देखते हैं, हमने लिखा क्वांटिटी, अगर समझ में आए तो एवरेज हमने अच्छा डिटेल में पढ़ के रखा है, ठीक है? n1, अब यहां से देखो 30 - 36 हमारी क्वांटिटी, n1 के करस्पॉन्डिंग हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी प्लस n2, ये समेशन है इसलिए प्लस लिख रहे हैं, n2 के करस्पॉन्डिंग हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी जो कि 36 है, इक्वल टू जीरो करना है। ये कितना हो जाएगा? -6n1, ये आ जाएगा +4n2 इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा 6n1 = 4n2 तो n1 / n2 बोले तो कितना हो जाएगा? 2:3 कितना हो जाएगा? ये 2:3 यहां से भी 2:3 आया। अगर यहां कंफ्यूजन होता है तो इतना लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर यहां से आसानी से आ जाएगा। अब हमारे पास मान लो ये दिया होता, क्या दिया होता? मान लो यहां पे 30 और 40 दिया होता, ये तो हमें दिया रहेगा कि इतना केजी है, इतना हमने मिलाया है, ठीक है? 5 चीजें होती है टोटल कुल मिला के। एक तो क्या होता है कि चीपर क्वांटिटी और एक डियरर क्वांटिटी, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा वो कितनी चीजें होगी? 3, 1, 2, 3 और बची 2 चीजें ये क्या होंगी? हमारी क्वांटिटी बताएंगी, बाकी क्वालिटी बताएगी 3 चीजें, और 2 चीजें क्या बताएगी? क्वांटिटी बताएगी। मान लो यहां पे हमसे क्या बोल दिया जाता है? रेशियो दे दिया जाता है, रेशियो दे दिया जाता तो हमारे पास 4 क्वांटिटी हो जाती n1 और n2। तो यहां n1 लिखते, यहां n2 लिखते, और यहां पे n1 + n2 लिखते, और यहां क्या लिख देते? मान लो ये फाइंड आउट करना था कि अगर हम 30 रुपए वाले चावल को और 40 रुपए वाले को चावल को मिलाना चाहें किस रेशियो में? 2:3 में, तो जो एवरेज मिक्सचर बनेगा उसे हम कितने, उसकी
क्वांटिटी रुपीस पर केजी कितनी हो जाएगी, ठीक है। उसमें हम ये तो नहीं बोल सकते इतने में बेचेंगे, वो तो दुकान वाले के ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग यहां से, ठीक है। तो एन वन बाई एन टू इक्वल टू टू बाई थ्री आ गया, क्लियर है इतनी बात, बात समझ में आ गई। मान लो हमसे क्या बोल दिया जाता, यहां पे क्या दिया जाता, 30, 40 और 36 दिया जाता है ना, क्या दिया जाता है, मान लो यहां लिख लेते हैं हम लोग 30 रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी, और ये हमें फाइंड आउट करना है रुपीज पर केजी, ठीक है। और यहां पे रेशो दे दिया जाता, मान लो ये 2/3, यही ले लेते हैं, 4/6 से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखना चाहें, डेविएशन से देखना चाहें, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, अगर इसे लिख दे हम लोग, क्या लिख दे, देखो ये क्या है टोटल, मान लो कि ये हमारे पास 2 किलो और 3 किलो हमें मिलाना है, ऐसा मान लो क्वांटिटी क्या है 2:3 में है क्वांटिटी, तो यहां पे हमने क्वांटिटी लिखते हैं और यहां लिखते हैं एवरेज, तो एवरेज कितना दिया गया है टोटल 30 दिया गया है, लिख दिया हमने 30, 40 दिया गया है यहां 40 लिख दिया, 40 के करस्पॉन्डिंग कितना है 3 लिख दिया, 30 के करस्पॉन्डिंग 2, ये कितना हो गया 5, कुल मिला के जो एवरेज आएगा तो मिक्स करने के बाद ही आएगा ना एवरेज, और ये हमें फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है एक्स इन रुपीज पर केजी, ये सारी चीजें रुपीज पर केजी में, ठीक है, ऐसा हो जाता। तो अब ये चीज तो हमें कॉमन सेंस वाली बात है कि 3 किलो को लिया हमने मिला दिया, 2 किलो को फिर लिया मिला दिया दूसरी क्वालिटी वाला राइस, तो टोटल कुल मिला के 5 किलो हो गई चीजें, तो ये 5 किलो हो गया। अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं, 5 वाली क्वांटिटी को सबसे ऊपर रखा हमने, एज्यूम्ड मान लिया, डेविएशन को 0 बनाया, कितना हो जाएगा ये देखो, यहां से स्टार्ट नहीं करना है, नीचे वाले से स्टार्ट कर, अब इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 2 into 30 minus x, x निकालना है ना यहां से, प्लस 3 into 40 minus x, ये कितना हो जाएगा 60 minus 2x, ये हो जाएगा 120 minus 3x इक्वल टू 0, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये हो गया 180 और ये आ जाएगा 5x, तो x बराबर 36, क्या है ये रुपीस पर केजी, एवरेज ही तो है, यहां से हमने निकाल लिया, एलिगेशन का यूज किया नहीं किया हमने, एवरेज का यूज किया है बस, क्लियर है इतनी बात। अब ये चीज तो हमने यहां से देख ली, अगर हमें वो चीज यहां से निकालनी है तो कैसे करना है, अब एक चीज और यहां पे अगर हम देखें तो एक चीज क्या देख पाएंगे, देखो यहां पे इनमें जो कॉमन चीजें हैं वो कैंसल आउट कर सकते हैं क्या हम लोग, मान लो इसे 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा n1 15 minus 18 प्लस n2 20 minus 18 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल लिया ना हमने, इसका मतलब 2 हमने कॉमन निकाल लिया, यहां से 18 आ गया, ये 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया, तो यहां से कैंसल आउट कर दें, या फिर यहां से कैंसल आउट कर दें, या फिर बाद में कैंसल आउट कर दें, अगर पहले कैंसल आउट कर देंगे तो आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, बड़े नंबर से मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा वहां पे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। मान लो अगर यही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता, मान लो अगर यही क्वेश्चन होता और यहां पे हमें राइस के बदले में क्या दिया होता, राइस के बदले में यहां पे हमसे बोल दिया जाता कि ये राइस नहीं है, ये चीज क्या है, ये चीज है हमारे पास 30, ये है मान लो स्पीड, अब यहां पे डिस्टेंस रख सकते थे क्या, नहीं रखेंगे, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अपॉन वाली चीज रखते हैं, तो ये स्पीड मान लो किलोमीटर पर आवर में, ये है 30 किलोमीटर पर आवर, ये है 40 किलोमीटर पर आवर, ये है 36 किलोमीटर पर आवर, हमने एवरेज के लिए फॉर्मूला भी याद किया है ना, तो सारी चीजें बदल जाएंगी, बस यहां पे क्या होगा, इसका जो यूनिट है वो चेंज होगा बस। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर हम 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलेंगे कितने टाइम के लिए, यहां पे आप देखो नीचे वाली क्वांटिटी आती पर आर, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आर, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या है, 2 घंटे 3 घंटे, क्वांटिटी तो है 2 और 3 क्या है, क्वांटिटी है,
मतलब अगर हम 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 2 घंटे के लिए चले, 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 3 घंटे के लिए चले, तो कुल मिला के एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड देखो नाम में आ रहा है ना एवरेज स्पीड, यही तो क्वेश्चन करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में एवरेज का क्या, कि मान लो किसी कार ने 2 घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर चला, 3 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर चला, ये क्वेश्चन बनता है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड के लिए हम लोग हमेशा एवरेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, 2s1s2 upon s1 plus s2, ऐसा होता है अगर वो डिस्टेंस में दिया हो तो। अगर डिस्टेंस में नहीं दिया होगा तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखो सारी चीजें सेम है, यहाँ पे बस क्या चेंज हो जाएगा, हमारा यूनिट चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब एवरेज की बात आ गई तो यहाँ पे हमने एलिगेशन यूज किया है, लेकिन हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड का, अब वहां से देख लेंगे कि अगर आंसर आ गया इसका मतलब हाँ ये एवरेज के जैसे ही काम करेगा, ठीक है, करता ये पता है लेकिन एक बार प्रूफ हो जाएगा। ठीक, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब यहां पे एवरेज स्पीड दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड कितना है यहां पे 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पे एवरेज की जब स्पीड की बात करते हैं तब हमें क्या क्या दिया होता है, हमें यह दिया होता है कि 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 2 घंटे के लिए चला, 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 3 घंटे के लिए चला, या फिर 6 घंटे के हिसाब से भी चलेगा तो आंसर 36 किलोमीटर पर आर ही आएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन हमसे क्या बोल सकता है, क्वेश्चन हमसे ये चीज बोल देगा कि यहां से अगर 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर वो कितने टाइम के लिए चले और 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कितने टाइम के लिए, अब वो एग्जैक्ट टाइम हम पता नहीं लगा सकते, वो रेशियो पूछेगा, क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा, वो हमसे पूछेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार व्हेन इट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर एंड विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर एंड द एवरेज स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आर। इसका मतलब क्या है कि आप हमें ऐसा रेशियो बताइए टाइम का जब 30 किलोमीटर पर आर स्पीड से चलने से और 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने से उनका एवरेज कितना निकले, 36 किलोमीटर पर आर निकले, ठीक है। एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग, एवरेज स्पीड पहले एवरेज स्पीड दिया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही बात है हम लोग वापस सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ऐसे लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस मान लो उसने S1 डिस्टेंस चला होगा 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, S2 चला होगा 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, T1 plus T2 पता है क्या, T1 plus T2 नहीं पता है हमें, इसी का रेशियो निकालना है। यह है एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आर में, ठीक है, अभी हम बस समझ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। स्पीड वन, स्पीड इक्वल टू, सॉरी ये डिस्टेंस है, इसे डिस्टेंस लिख लेते हैं, डी कंफ्यूजन होगा नहीं तो, D1 D2, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, पहले स्पीड थी 30 इंटू टाइम नहीं पता, बाद में स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितनी है नहीं पता, तो 40 इंटू T2, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम डिवाइडेड बाय T1 plus T2। तो क्या ये चीज सिमिलर है, एवरेज इक्वल टू A1 एवरेज इंटू N1, N1 यहाँ पे क्या है क्वांटिटी थी, तो क्वांटिटी यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, टाइम क्वांटिटी है हमारी, तो यहाँ टाइम आ गया। वहां पे क्या थी राइस वाले क्वेश्चन में, किलोग्राम क्वांटिटी थी, 2 किलो 4 किलो 6 किलो, यहाँ पे वो टाइम आ गया, किसमें, आर में आ गया, वही तो होगा, वही चीज होगी यहां पे, ये 18, ये 15 और ये 20, यही चीज हो गई ना। अब यहां कितना आ जाएगा, 18T1 minus 15T1 3T1 इक्वल टू यहां 18T2 और वहां 20T2, तो ये कितना आ जाएगा T1 by T2। मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि अगर वो 2 घंटे 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चले और 3 घंटे 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चले तब उनका एवरेज निकलेगा 36 किलोमीटर पर आर। ये एक्चुअल में T1 T2 की वैल्यू नहीं, इनके रेशियो है। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर वो 4 घंटे के लिए, इसे क्या लिख सकते हैं, और ये रेशियो है ना, ये तो इसे 6 लिख दो, और क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग रेशियो में, ट्वेल्व रेशियो 18। ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि अगर
वो 12 घंटे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले और 18 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो उसका एवरेज कितना बैठेगा, एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 36 किलोमीटर पर आवर, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है बात? ये तो हमने एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से देखा, लेकिन अगर यहां से वो चीज देखनी है, यहां से ये चीज सॉल्व करनी है, तो वो भी देख लेते हैं।